तो आज करेंगे सेट थ्री, 2020 का सेट थ्री। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, ये बहुपद का है, ये नहीं करना है ना, बहुपद तो है नहीं हम लोगों के तुम्हारे सिलेबस में। और दूसरा है ख, एक का ख करेंगे। इसमें दिया हुआ है कॉट, थ्री कॉट ए बराबर फोर है, ये तो आसान है, थ्री कॉट ए बराबर फोर। तुम्हें बताना है सेक ए का मान, सेक ए बताओ, कॉट ए मतलब क्या होता है? अब यहां से कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा, ये गुणा है तो वहां जाकर भाग, 4/3, तो ये क्या है, आधार बटे लंब। तुम बताओगे जो पूछेंगे सारा, तो सेक ए निकालना है हमें, तो सेक ए क्या होता है, सेक ए का बताओ, बोलो। तो हमें क्या चाहिए इसमें, आधार और लंब मालूम है, कर्ण चाहिए होगा, क्योंकि और कुछ कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे तो तीनों भुजा पता होना चाहिए। तो कर्ण निकाल लें यहाँ से, कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर सीधा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें रफ में सब करना है। 16 और 9 आ रहा है तो 25 आएगा, और कर्ण चाहिए तो 25 का रूट आ जाएगा, 25 का रूट 5 आएगा, ठीक है। तो अब तुम्हें चाहिए सेक ए, चलो तुम बताओ, इसको तो नहीं कुछ याद होते, तुम बताओ। हाँ, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, नहीं तुमने भी, तुम्हें भी नहीं याद है, सेक ए कर्ण बटे लंब, किसका उल्टा है सेक, तो साइन का नहीं है भाई, कॉस का है ये, साइन का कॉसेक होता है, ये कॉस का उल्टा है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण मिल चुका है, तो कर्ण है 5 और आधार यहाँ से कितना है, 4, तो आंसर हो गया 5/4, सेकेंड ऑप्शन सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलो अब इसी का गा देखो क्या है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। एक का गा समांतर माध्य, सभी संख्याओं को जोड़ना और फिर नंबर संख्या से भाग देना, 1 से 9 तक प्राकृतिक मतलब लाइन से लेना है, 1 से लेकर 9 तक सबको जोड़ो, कितना है, 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 और 9, सबको जोड़कर कितने से भाग दे दो, 9 से, तो जोड़ लो कितना आया, 3 × 2 = 5 = 6 + 6 = 10, 5 × 15 = 15, 15 + 6 = 21, 21 + 7 = 28, 28 + 8 = 36, 36 + 9 = 45, 45/9, 9 × 5 = 45 बराबर 5, तो समांतर माध्य 5 आया, और ये आंसर हो गया सेकेंड, इसका भी सेकेंड। इसका सूत्र भी होता है, एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है, अगर सूत्र याद है तो सूत्र से लगाओ, नहीं याद है तो डायरेक्ट जोड़ो। आगे देखते हैं घ, समांतर श्रेणी का सर्वांतर, अब घ करना नहीं है क्योंकि समांतर श्रेणी है, ये सिलेबस में नहीं है। अंगा, पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्रायिकता भी नहीं है सिलेबस में। च, च में वृत्त है, कोण बताना है, जो कि सिलेबस में नहीं है। तो बस 2 ही सवाल हैं इसमें जो सिलेबस के हैं इस बार के, क ख और ग। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग, चलो इसको देखो क्या कह रहा है, 27, 23, और ये दिया हुआ है इनका समांतर माध्य, देखो क्या क्या दिया है, 27, 23, x-4, x+4, x-4, x+4 और 15, 3, 15 और 3, इन सब का समांतर माध्य दिया हुआ है 7 और 7 का समांतर माध्य 15 है, और 7 भी है, और 7, इन सब का समांतर माध्य दिया हुआ है 15। तो लिखेंगे दिया है संख्याएं, फिर दिया है समांतर माध्य, दिया है समांतर माध्य, क्योंकि इसमें स्टेप लिखना है ना, समांतर माध्य बराबर 15, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला सबको जोड़कर कितने से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं हैं, 7 से भाग देना है, तो समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, तो ये हो गया, सबको जोड़ लो, जोड़ के बताओ जल्दी से कितना आएगा, 30 हो गया, 27, 30, 20, 50, 50
और 15 पैंसठ, पैंसठ और 10 75, 75 और प्लस माइनस 4 तो कट जाएंगे तो 75 आ रहा है और x प्लस x 2x, तो 2x प्लस 75 पूरे का बटे 7, क्योंकि 7 है गिनने पर, बराबर 15। x चाहिए तुमको, 7 उधर भेज दो तो 2x प्लस 75 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 75 उधर जाएगा, 105 माइनस 75 घटा दोगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 30 में फिर 2 से भाग हो जाएगा, यहाँ गुणा है तो आके भाग हो गया, तो ये भी आ गया 15, मतलब x का मान 15 है, ये आंसर आंसर आया। चलो अब इसी का देखते हैं, 2 का ख, ख देखते हैं, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 2 का हम लोग कर रहे हैं ख, इसमें ये मीनार है, ये जमीन है, यहाँ पे एक कार खड़ी है, ये कार खड़ी है, हर चीज को कोई भी वस्तु बोलेगा तो उसको पिंड, उसको हम लोग बिंदु के रूप में लेंगे, है ना, कुछ भी। तो ये कार है, कार का अवनमन कोण मीनार से, मीनार से मतलब यहां से देखना है तो क्षैतिज रेखा, जहां से देखोगे वहां एक क्षैतिज रेखा बना दोगे, ये क्षैतिज रेखा से कोण बनेगा कितने डिग्री का, क्या बोला गया है 30 डिग्री का, यहाँ जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का है, यहाँ पे है ना, इस जगह पे अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो भाई ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है, तो एकांतर कोण हुआ ना, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री हो गया। तो बस अब त्रिभुज में क्या निकालना है तुम्हें, मीनार के आधार से कार की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो नाम दे दो त्रिभुज को ए बी सी, और ये मीनार की ऊंचाई है कितनी है, मीनार की ऊंचाई 75 मीटर है, 75 मीटर ये तुम्हें निकालना है x, तो बाकी सब लिख देना, दिया है मीनार की ऊंचाई 75, मीनार से कार का अवनमन कोण 30 डिग्री, माना मीनार के आधार से कार की दूरी x है, तब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हो जाएगा बी सी बटे आधार, बी सी बटे ए बी बराबर टेन थीटा, बी सी 75 है, ए बी तुम्हें निकालना है x बराबर टेन थीटा 30, टेन 30 डिग्री, 30 का मान 1/√3, तो यहाँ जाके गुणा हुआ, चलो एक बार लिख दो, 75 बटे x बराबर 1/√3, रूट थ्री इधर गुणा हुआ, x इधर गुणा हुआ, तो क्या आ गया, हाँ x बराबर 75√3, 75√3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा, रूट थ्री का मान देगा तब लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आंसर। अब इसी में ग है, तो ग नहीं करना है क्योंकि प्रायिकता का है, ये घ करेंगे, द्विघात समीकरण दिया है और इसके दोनों मूल बराबर हैं तो पी का मान ज्ञात करना है, तो इरेज करते हैं, तो इस समीकरण दिया हुआ है तुम्हें क्या बताना है, मूल बराबर है तो पी का मान बताइए, तो मूल बराबर होने की क्या कंडीशन है, द्विघात समीकरण के मूल बराबर होने की क्या, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, विविक्तिकर जीरो होना चाहिए, लिख देंगे मूल बराबर है तो विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर जीरो, इतना लिख के करना, तो बी क्या है, और हाँ ये भी लिखना ए बी सी सब बता देना क्या है, ए क्या है पी है, बी क्या है माइनस 2√5 पी, तो माइनस 2√5 पी इसका स्क्वायर होगा, माइनस 4 ए, ए मीन्स पी और सी मीन्स 15 बराबर जीरो, तो 15 चौक 60 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 हुआ, रूट 5 5 हुआ और पी का पी स्क्वायर हुआ, माइनस 15 चौक 60 पी बराबर जीरो, अब क्या करें 5 चौक 20, हाँ पी स्क्वायर है, अब क्या करें कॉमन लें, और क्या कर सकते हो, कैसे निकलेगा, ये तो द्विघात बन रहा है ना, तो क्या बन रहा है p, अगर हमने कॉमन ये पहले बना लेते हैं, कितना कॉमन ले सकते हैं 20, 20 कॉमन ले सकते हैं, तो p स्क्वायर 20p कॉमन ले लिया है ना, तो p माइनस 3p, या फिर उधर भेज दे p कट भी जाएगा है ना, कॉमन वॉमन लेने की क्या जरूरत है, तुम p उधर भेज दो, तो ये देखो 20p स्क्वायर बराबर 60p हो गया, तो एक पी से कट जाएगा है ना,
और 20 से 60 कट जाएगा 3, तो p बराबर क्या आ रहा है उधर, 3 आ रहा है बस, तो p का मान हो गया 3। क और ख, क कहाँ का है, समांतर श्रेणी का सवाल है, ख प्रायिकता का सवाल है, नहीं करना है। ग समीकरण दिया है द्विघात, इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 12 बराबर 0, इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। ठीक, तो मूल पहले पता कर लो, व्युत्क्रम करके उनका योग निकाल लो, कर सकते हैं ना। तो क्या होगा, मूल कैसे निकलेंगे, क्या गुणनखंड हो रहा है, 4 3 12 4 3 7, तो कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स और 4 प्लस 3 प्लस 12 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 12 बराबर 0। अब दो दो का पेयर करो, x यहाँ पे हुआ x माइनस 4, यहाँ पे 3 हुआ x माइनस 4, तो क्या हो गया x माइनस 4 और x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से अगर है तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, ये मूल हो गया पहला मूल, मान लिया ये अल्फा है, ठीक, और दूसरा मूल बीटा होता है, तो x माइनस 3 बराबर 0 है, तो x बराबर 3 है, इसको मान लिया ये क्या है, बीटा है, अल्फा और बीटा दोनों मिल गए, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। तो अब क्या पूछा है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल है ना, तो व्युत्क्रम हम निकालते हैं इसके, यही कर लेते हैं ना, लिख देंगे व्युत्क्रमों का योगफल, तो 1/4 प्लस 1/3, इसका व्युत्क्रम 1/4 1/3, जोड़ दो क्या हो गया, लासा 12, 4 3 12, 3 3 4 12, 4 4 3 7 7/12, ये आंसर हो जाएगा व्युत्क्रमों का योगफल। देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे माना संख्याएं x तथा y हैं, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x माइनस y बराबर 26 है ना जो कह रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, बताओ कौन किसको हम लिखें 3 गुना, y बराबर 3x लिखें कि x बराबर 3y, x बराबर 3y, मतलब x जो है y का 3 गुना होगा, तभी तो बड़े में से छोटा कटेगा तो प्लस आएगा। अगर y बराबर 3x लिख दोगे तुम, तो इसका मतलब तुम कह रहे हो y x का 3 गुना है, मतलब y बड़ा है x से, तो छोटे में से बड़ा घटेगा तो माइनस आएगा, तो गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 3y, x बराबर 3y या 3y बराबर x, x बराबर 3y आया। अब क्या करें, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो यहां से मिल तो रहा x बराबर 3y है, यहां रख दो है ना, तो समीकरण एक ये है और समीकरण दो ये है, समीकरण दो से x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो x की जगह क्या हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26, तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 13, तो y बराबर 13 आ गया। x चाहिए समीकरण नंबर दो में y का मान रखने पर, तो लिखेंगे x बराबर 3 इंटू वाई, वाई मीन्स 13, तो ये हो गया 39, x बराबर 39, तो अतः संख्याएं 13 तथा 39 ऐसे लिखेंगे, अतः संख्याएं 13 और 39। अब चलते हैं अगले पे, 4 का क करेंगे, ये हो गया सारा। देखो इसमें यदि बिंदु, भाषा भी तुम्हें अच्छे से समझना चाहिए, यदि ये बिंदु बिंदुओं ये इससे तथा इससे समदूरस्थ है, ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो x और y में जो संबंध बनेगा वो बनाइए, समझ गए, ये दोनों बिंदु यहाँ हैं तो, और ये बिंदु यहाँ कहीं है, तो ये इससे जितनी दूरी पर है उतनी दूरी यहाँ से भी है, तो अगर इसको हम मान लें कि ये P है, कुछ नाम दिया नहीं यहाँ पे, मान लो ये P है, ये Q है और इसे R मान लें, तो क्या कह रहा है ये, पी आर बराबर क्यू आर, ऐसा कहा गया है कि ये बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है, तो पी आर बराबर क्यू आर, ये लिखना है तुम्हें।
तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, अगर इसको हम बिंदु P मान लें, इसको Q और यहाँ पे R, तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार PQ बराबर PR, है ना, ऐसा ही था ना। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार PQ बराबर PR, तो PQ यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी रूट x2 - x1 3 - x का स्क्वायर, है ना, इसको x2 मानोगे x2 y2, इसको x1 y1, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बराबर PR। अब इनके बीच की दूरी, तो इसको x2 मानेंगे y2 और इसको x1 y1, तो रूट में x2 - x1 -3 - x स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर 4 - y का स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट का स्क्वायर करें, रूट हट जाए तभी तो कुछ आगे कर पाएंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो 3 - x का स्क्वायर बनेगा प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बनेगा बराबर -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला खोलें और तो कुछ कर नहीं सकते, तो ए स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये वाला खोलो ए स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है, इधर आ जाओ। अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो अगर तुम्हें समस्या हो रही है तो माइनस बाहर ले लो, तो देखो माइनस बाहर ले लोगे तो 3 + x बन जाएगा स्क्वायर, और माइनस का भी तो स्क्वायर रहेगा क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है उन सब का स्क्वायर है ये, तो -1 का भी ये स्क्वायर है, -1 बाहर लिए स्क्वायर हुआ प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस आएगा, तो ये बना एक्चुअली 3 + x का होल स्क्वायर बन रहा है, तो 3 + x का होल स्क्वायर यहाँ पे खोल दो, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है, यहाँ समझा दिया, यहाँ लिख रहे हैं ये प्लस हो चुका है तो इधर पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस लिखना नहीं है ना, प्लस तो पीछे लिखा नहीं जाता, तो ये हो गया 9. हाँ 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह इसको खोल दो, ए स्क्वायर मतलब 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अभी तुम फॉर्मूला गलत बोल रहे हो, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, यहाँ थोड़ी ना माइनस होगा। अब चलो अब सबको सरल कर लो तब जोड़ो घटाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्याएं सारी कर लो, 9 और 36 है ना, यहाँ भी 9 है, देखो कट जाएगा, यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, इसको हटा दो, और कहीं देखो 36 है, ये देखो 6x प्लस, ये माइनस नहीं कटेगा, माइनस प्लस नहीं कटेगा, एक जैसा चिन्ह है ना, ये माइनस है यहाँ प्लस है, अगर ये भी प्लस होता तो काट दिया जाता, और कुछ वाई स्क्वायर देखो, ये वाई स्क्वायर यहाँ से वाई स्क्वायर कट गया, और एक्स स्क्वायर प्लस है, ये भी प्लस है कट जाएगा, है ना, इधर उधर जाएगा तो उल्टा चिन्ह बनेगा, माइनस प्लस कट गया, और 6y है कहीं, 6y नहीं है, 8y, तो बस यही दोनों बचे है ना, एक ये बचा 36 बचा, इधर 16 बचा, तो सबको कर लो एक तरफ, संख्याओं को उधर कर दो, तो यहाँ पे आ रहा है -6x, वाई नहीं था इसमें, हाँ -6x और -12y, उधर वाला भी इधर कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं एक बार, चलो अच्छा, और यहाँ क्या बचा +36 बराबर, यहाँ बताओ 6x प्लस 16 बाद में लिखते हैं, इसको लिख देते हैं -8y प्लस 16 यही बचा। अब x को x में से, y को y में से, तो -6 + 6 आएगा इधर, तो माइनस दोनों हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे -12x, -12y -8y, इधर आके प्लस होगा तो -12y +8y आएगा -4y, 36 प्लस है ये माइनस होगा तो 20 आ जाएगा, इसको इधर लाते हैं, अच्छा उधर ही कर लो, चलो बराबर उधर कर लिया, तो 36 में से 16 जाएगा तो 20 आएगा,
और ये माइनस बनेगा, वो प्लस है, तो बढ़ेगा चिन्ह माइनस 20। अगर माइनस हटाना है तो माइनस 1 से पूरे में गुणा कर देते हैं, तो बन गया पॉजिटिव हो गया सारा। और देखो चार कॉमन भी है, तो चार एकम चार, चार तियाई 12 और चार पंजे 20, तो प्लस भी बन चुका है क्योंकि सब माइनस है। तो क्या बना, 3x प्लस वाई बराबर 5। तो चाहे ऐसे लिख लो, चाहे y बराबर 5 माइनस 3x लिख लो, सभी रिलेशन सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ भी छोड़ सकते हो। ये हो गया आंसर, x और y में यही संबंध है। ठीक, अब चलते हैं अगला, ग करेंगे यहाँ पे, नहीं ग नहीं ख ना, ये चार का ख था, तो चार का ख करते हैं, चार का ख। देखो क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, शंकु यह तुमने बनाया यहाँ पे, अगर ये शंकु बना आधार की त्रिज्या, मतलब ये दिया हुआ है तुम्हें आधार की त्रिज्या आर बराबर, मान लो यहाँ पे नाम दे देते हैं ए ओ बी, ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, दे दिया है, ऐसे बना दो और लिख दो जो जो दिया है। शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5, शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। अब लिखने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, हमें क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई है ना, लिख देंगे माना तिर्यक ऊंचाई l है। तो फिर त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में कर्ण है ना L, L स्क्वायर बराबर, हाँ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसको H माने हो तो मैं वैल्यू रख दो, सारी मान रख दो, H मतलब 12 का स्क्वायर, R का मतलब 3.5, इसका स्क्वायर निकाल लेना कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 144 और इसका 12.25 है ना, 35 का स्क्वायर करोगे दो अंक पे दशमलव लगा दोगे। अब इसको जोड़ लो, 156.25, तो ये आ गया 156.25 एल स्क्वायर। तो एल चाहिए तो इसका रूट निकालना पड़ेगा, 156.25 का रूट निकाल लो। कैसे निकालोगे, दशमलव हटा लो है ना, और बटे का दशमलव हटाओगे तो क्या बनेगा, ये इसको लिख सकते हैं रूट 156.56 हटा दो तो बटे में 100 हो जाएगा, तो 100 का 10 आएगा और 15625 का वर्गमूल निकाल लो, फिर 10 से भाग दे देना उसको, दशमलव में आ जाएगा आंसर। तो वर्गमूल 15625 का निकाल लोगे ना, ठीक है, तो बस ये आंसर हो गया, बाकी तुम वर्गमूल तो तुम्हारा काम है निकालना। चलो तो चौथे का आप कर रहे हैं, ग दिया है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करो a प्लस बी बराबर 90। ये तो तुम्हारी बुक का ही सवाल है, तो मालूम है ना कि ऐसा tan है यहाँ cot है, दोनों को अगर कोण कोण की बात हो रही हो, कोण के लिए हमें कुछ करना है तो ये दोनों सेम होना चाहिए, तो tan cot हो या तो cot tan हो, तो बदल लेंगे। कैसे करेंगे, tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a है ना, तो tan a ही तो बनेगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, उधर cot भी पहले से है, ठीक cot भी तो पहले से ही है। अब ये दोनों तरफ cot हो गया, तो हम अब क्या कर सकते हैं, कोण की तुलना कर सकते हैं, तो 90 माइनस a बराबर b, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ 90, और ये बन जाएगा b प्लस a या फिर a प्लस b, एक ही बात है, सिद्ध हो गया a प्लस b बराबर 90 डिग्री, सिद्ध, इति सिद्धम, यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम या प्रूव्ड, प्रूव्ड। अब इसमें घ में ज्ञात करना है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु तीन दिए हुए, दो बिंदु दिए हैं उनको मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु विभाजित करता है। मतलब कंडीशन क्या है, चार का घ क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दो बिंदु -3, -10 तथा 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड, तो एक बिंदु ये है और एक 6, 8 है, 6, 8 को, इस बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को
कौन सा बिंदु माइनस वन और छ विभाजित करता है, तो जो विभाजित करता है वो ये कहीं बीच में होता है, तो माइनस छ क्या है, वन कॉमा छ, वन कॉमा छ। तो बताओ इसमें कौन है, ये तो वही है ना, विभाजन सूत्र लगेगा ना, तो अनुपात m1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक m2 हो गया, इसको मानोगे, हाँ ये छ कॉमा माइनस आठ, हाँ सही। और ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। अब तुम्हें पता है विभाजन सूत्र क्या होता है, ये वाला क्या है x और y है, तो तुम्हें लिखोगे विभाजन सूत्र द्वारा, पहले लिख दोगे माना बिंदु द्वारा विभाजित अनुपात m1 तथा m2 है, उसके बाद लिखोगे विभाजन सूत्र द्वारा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी सूत्र से मध्य बिंदु का निर्देशांक निकलता है ना, जब m1 m2 बराबर होते हैं तो मध्य बिंदु का बन जाता है, क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, x1 प्लस x2 बटे दो और y बराबर y1 प्लस y2 बटे दो। जब यहाँ m1 m2 बराबर हो जाएंगे तो यही बनेगा, ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो अब यहाँ वैल्यू रख दो, m1 निकालना है तुमको, x2 उसको माने हो 6 प्लस m2 y1 m2 x1 मतलब माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री अपॉन m1 प्लस m2, और x क्या है माइनस वन है, लिख दिया, ये पूरा इधर आके गुणा हुआ तो दोनों माइनस बन जाएगा, तो माइनस m1 माइनस m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2 है ना, 3m2 हुआ, ये माइनस से गुणा होके माइनस बन गया, m2 को m2 के साथ m1 को m1 के साथ, तो सबको क्या करें उधर ही भेजें, कहीं भी कर लो चलो, तो उधर भेजते हैं मान लो, तो क्या बनेगा प्लस वन एम वन, सिक्स एम वन प्लस वन एम वन इसके साथ हो गया, और ये माइनस इसको इधर कर लेते हैं तो माइनस एम टू और ये आ गया प्लस थ्री एम टू, ठीक। तो क्या बना यहाँ पे, ये प्लस ही माइनस, तो प्लस टू एम टू बना, और इधर सेवन एम वन, सेवन एम वन। तुम्हें क्या चाहिए अनुपात, मतलब m1 बटे m2 चाहिए, तो ये इधर जाएगा बटे में आ जाएगा और इधर जाएगा दो बटे सात, तो क्या बन गया m1 बटे m2 बराबर दो बटे सात, ये इधर आ रहा है ना दो बटे सात, अतः अनुपात, अब y निकालने की जरूरत नहीं है, अतः अनुपात m1 अनुपाते m2 बराबर दो अनुपाते सात, ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट खंड पे। पांच का नहीं करना है क्योंकि ये स्पर्श रेखाओं वाला वृत्त वाला है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो वृत्त चैप्टर से है वो तुम्हें करना नहीं है। और सिद्ध कीजिए वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन माइनस टेन का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉट ए। इसमें भी सर्वसमिका का प्रयोग है तो ये भी नहीं करेंगे, ठीक है, सर्वसमिका का प्रयोग नहीं आ रहा है ना, सिलेबस में कटा है, तो ग कर रहे हैं सीधे। ये तीन बिंदु दिए गए हैं, संरेख है तो हमें सिद्ध करना है x अपॉन a, सिद्ध करना है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर वन, ये सिद्ध करना है। तो संरेख होने का जो प्रतिबंध है वो लगाते हैं, तो लिखेंगे दिए गए बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटे दो एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू बराबर जीरो। अब यहाँ पे एक्स वन सबको लिख लो, कौन एक्स वन वाई वन है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और ये हो गया एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। अब रख दो सबको यहाँ पर, तो वन अपॉन टू तो पहले जीरो हो गया, एक्स वन कितना है ए और वाई टू बी है माइनस वाई थ्री वाई
प्लस एक्स टू जीरो, हाँ वाई थ्री कितना है रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो ही हो रहा है ना, इसको ऐसे रहने देते हैं तो ज़ीरो ही हो जाएगा। प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री एक्स है, वाई वन कितना है, वाई वन यहाँ पे ज़ीरो है, माइनस वाई टू कितना है, बी है, तो ये हो गया बराबर ज़ीरो। अब बिग ब्रैकेट हटा दो और गुणा कर लो, तो ए से गुणा हुआ ए बी माइनस ए वाई, ये पूरा ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पहुँचते हैं, प्लस एक्स से ज़ीरो हुआ ज़ीरो, और एक्स माइनस हुआ तो माइनस है ना, माइनस बी एक्स, ठीक है ज़ीरो हुआ ये ज़ीरो और माइनस बी एक्स बराबर ज़ीरो, इतना ही है। अब देखो तुम्हें वन लाना है ना, तो देखो यहाँ पे वन से अगर हम भाग दे दें सबको, इसको उधर भेज दो, ए बी को इधर रहने दो, देखो क्या होता है, ए बी बराबर ये सब उधर भेजो तो प्लस ए वाई और प्लस बी एक्स, तुमको इधर वन लाना है तो क्या करें, ए बी से भाग दे दें, ए बी से पूरे में भाग दें तो यहाँ वन बन जाएगा, तो वो भी बन जाएगा जो बनना है, तो कहेंगे ए बी से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो ए बी को भाग दोगे तो ए बी बटे ए बी, लिख देते हैं एक बार, ए बी बटे ए बी बराबर ए वाई बटे ए बी प्लस बी एक्स बटे ए बी, बी एक्स बटे ए बी। अब देखो ए बी से ए बी कटा वन आया, यहाँ से ए कटा वाई अपॉन बी, और बी से बी कटा एक्स बटे ए, वही बन गया। तो अगली लाइन में यहाँ हम कर देंगे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर यहाँ पे वन, ये आ गया इति सिद्धम है ना, यही बताना था इति सिद्धम। तो घ में क्या है, पांचवे का घ आंकड़े दिए हैं, माध्यिका निकालनी है, तो कॉलम बनाएंगे, ये कॉलम एक्स्ट्रा आएगा संचयी बारंबारता का, तो संचयी बारंबारता मतलब सभी बारंबारताओं को जोड़ते जाएं, चार चार में तेरह, सत्रह सत्रह में अठारह, पैंतीस में नौ, चौवालीस चौवालीस और छः पचास, बन गई संचयी बारंबारता। सूत्र लिखा हुआ है माध्यिका निकालने का, जहाँ पे सभी प्रतीकों का क्या अर्थ है वो लिख दिया गया है, L, N, CF, H और F का क्या अर्थ है ये यहाँ लिख देना है तुमको, ठीक है, और उनके मान भी रख देना है। तो L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग हम किसे लेते हैं, माध्यक वर्ग किसे लेते हैं, N अपॉन टू, N अपॉन टू के जस्ट आगे वाला जो वर्ग होता है, तो N मतलब टोटल संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, तो ये जो 50 आ रही है इसी को N मतलब इन सबको जोड़ोगे तो यही आएगा 50, तो n बराबर 50 है, n बराबर 50, इसका बटे दो करो तो 50 का बटे दो करोगे 25 आएगा, तो 25 के जस्ट आगे कौन आ रहा है, 25 के जस्ट आगे 35, हाँ 25 यहाँ पे 17 है और 17 के बाद तो 35 है, तो 25 यहीं पे आएगा 35, तो माध्यक वर्ग कौन हो गया, ये वाला हो गया 20 से 30, और L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो 20 है 20 हो गई। F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता 18, और CF क्या है, माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी 17, और वर्ग माप मतलब कितना डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस है सब में, तो वर्ग माप हो गया 10। अब वहाँ पे वैल्यू रख दो सारी, L L बराबर 20, 20 प्लस n अपॉन 2 25 आएगा, CF 17 बटे F 18 गुणे 10। अब हल करो इसको, हाँ 25 में 20 गया, 17 गया 8, 8 बटे 18 गुणे 10, दोनों 18 बस नहीं कटेगा, 20 प्लस 40 बटे 9, अब 9 दुना 18, 180 प्लस 40 बटे 9, 220
बटे 9 दशमलव में करना है तो भाग दे दो, तो 220 को भाग दोगे 9 से, 9 दुना 18, 4 0, 9 चौक 36, 36 फिर से 4 आएगा तो 4 4 आता जाएगा, तो है ना 36 आया, 9 चौक यहाँ पे 9 चौक 36, 4 दशमलव लगाएंगे फिर 0, 24 दशमलव 4 4 आएगा, यही आ रहा है ना 48 दशमलव पर आ रहा है 24.44 आता जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। अब लास्ट में लिख देंगे अतः माध्यिका बराबर 24.44, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। मैं देखो जैसा सवाल दिया है, एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं, ये ठोस है बेलनाकार जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं, ऐसा ठोस है। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक टोटल 20 सेंटीमीटर, तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है, ये व्यास है पूरा है ना बेलन का, क्योंकि उसी के ऊपर गोला रखा हुआ है तो गोले का व्यास भी वही होगा, बेलन का व्यास गोले का व्यास तो दोनों बराबर है, तो ए भी बराबर, तो लिख देंगे जो जो दिया हुआ है। ठोस की कुल ऊंचाई मान लिया ये क्या है कैपिटल एच है, बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक, और बेलन का व्यास दैट मीन्स ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, लिख देना बेलन का व्यास बराबर गोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, तो फिर बेलन की त्रिज्या या गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, हाँ ये लिख लेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या, वो कितनी हो गई इसी का आधा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक, हाँ डेसिमल में या ऐसे कैसे भी लिख लो आ गया। अब तुम्हें करना है ठोस का कुल आयतन, तो कुल आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोला, अर्धगोला दो अर्धगोला जुड़ जाएगा तो पूरा गोला हो जाएगा, तो लिख देंगे पहले निकालेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तुमने सब कुछ बता दिया है कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई लेट माना बेलन की ऊंचाई कितनी है h है स्मॉल h, ठीक है ये बेलन की ऊंचाई हो गई, ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी, पूरी ऊंचाई में से ये वाली त्रिज्या, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या ही है, ये सब त्रिज्याएं हैं, तो यह 3.5 कितना हो गया 7, 7 घटा दोगे पूरे में से तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है, तो यहां लिख देंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या लिखें, कुल ऊंचाई माइनस व्यास है ना, कुल ऊंचाई माइनस व्यास, माइनस व्यास, समझ गया ना 3.5 इधर है 3.5 इधर है, तो 7 हो गया, यही दोनों माइनस कर दो तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, तो वो आ गया 20 माइनस 7 बराबर 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ बेलन का आयतन, तो पाई का मान 22/7 लेना है, आर 7/2 है, स्क्वायर है इसलिए 2 × 7/2, एच कितना है 13 है, अब यहाँ से काटो 7 × 7 11, और कुछ कट नहीं रहा, तो 11 × 7 × 13/2 ये आ गया बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन इसको गुणा कर लो, गुणा कर लो आगे तो बताते हैं क्या है, उसके बाद हमें गोले का अर्ध गोले का आयतन निकालना है, तो अर्ध गोले का आयतन और एक और अर्ध गोला है, तो गोले और गोले का आयतन निकालेंगे क्या होता है 4/3πr³, तो यहाँ मान रखो 4/3 22/7 r³ 7/2 और 7/2, तो यहाँ से 7 7, 2 × 11 और इस 2 × 4 और इस 2 × 2 पूरा कट गया, ऊपर 11 49 11 और 3, तो ये बचा 49 × 11/3, ठीक,
अब इन्हीं दोनों को हमें जोड़ना है। गुणा कर लो, ये कितना आया गुणा करके? 1001। 1001 बटे 2, इसमें से माइनस करना है 49 × 11 539/3। इन्हीं दोनों को जोड़ लें, कुल आयतन हमें मिल जाएगा। दशमलव निकालना होगा, दशमलव निकाल लेंगे तो कुल आयतन यही दशमलव में लिख लो कितना आया, 500.5 घन सेंटीमीटर। और ये कुल आयतन 17.66। यही ले लेते हैं, 666 आ रहा है तो ये हो जाएगा 7, है ना, 67, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। कुल आयतन इन्हीं दोनों का योगफल लिख देंगे, कुल आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। लिखने के बाद ये दोनों जोड़ लेंगे तो 500.5 प्लस 179.67 179.67 जोड़ने पर कितना आया, 67 क्यों बोल रहे थे, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ये देखो दिया है सवाल, 6 कक्षा, ये चित्र है, इसमें OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, OA इंटू OB OC इंटू OD ऐसे दिया है, और सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। तो देखो ये गुणा में दिया है, लेकिन गुणा का हमें नहीं पता है, हमें बटे का पता है, समरूप त्रिभुज के बारे में, संगत भुजाएं अनुपात में हो। तो देखो यहाँ से आ रहा है ना OA बटे OC और OD बटे OB आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं OA बटे OC बराबर OD बटे OB। ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा बराबर है ये वाली भुजा बटे ये, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। संगत भुजा अभी हम नहीं कह सकते, पर इतना पता है कि ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर इन दोनों भुजाओं का अनुपात, और उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण शीर्षाभिमुख है कि नहीं। तो ये क्राइटेरिया होती है ना समरूप बनाने की, दो भुजाओं का अनुपात और उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, अनुपात है तो समरूप। तो ये लिखेंगे, सिद्ध करना है ये, तो उपपत्ति में हम लिखेंगे, उपपत्ति में जो दिया है वो लिखेंगे, ये है ना OB इंटू क्या है OA, OA इंटू OB, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। इससे हमें क्या मिलेगा, गुणा से हमें नहीं मिलेगा, अनुपात से मिलेगा, तो OA बटे OC, OA बटे OC। अब तुम OA बटे OD भी तो कर सकते थे ना, OA बटे OD तब तो एक ही त्रिभुज में हो जाता, जबकि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं चाहिए ना, एक भुजा इस त्रिभुज की एक भुजा उस त्रिभुज की, इसलिए OA बटे हमने क्या किया OC किया, बराबर यहाँ OD बटे OB आ रहा है, OD बटे OB तो आ गया ना, एक भुजा इस त्रिभुज की है दूसरी भुजा उस त्रिभुज की, बन गया। अब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, तथा पुनः कोण AOD, कोण AOD बराबर कोण BOC, BOC कैसे पता, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख हो गया। तो कौन सी क्राइटेरिया मिली, SAS द्वारा, SAS द्वारा दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और समरूपता में नाम उनका वैसे लिखना होगा जैसे भुजाएं आई हुई हैं। तो क्या नाम लिखें, AOD अगर नाम लिख दिया, त्रिभुज AOD समरूप है तो इस त्रिभुज का नाम क्या लिखना होगा, COB, क्योंकि ये इसके संगत है ना, तो COB, त्रिभुज COB। देखो आ गया AO CO, AO CO आया भी है यहाँ पे, है ना, CO या OC बोलो,
और OD यहाँ पे OB के बराबर आ रहा है, OD बटे OB आ रहा है, तो संगत पाठ बराबर आ रहा है, नाम सही है, समरूप है। ठीक, अगर समरूप है तो समरूप त्रिभुज के संगत भाग, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से इससे यह प्रदर्शित होता है, एरो का मतलब होता है दिस इम्प्लाइज, मतलब इससे यह पता चलता है, यह प्रदर्शित होता है कि कोण ए बराबर कोण सी, कोण ओ बराबर कोण ओ और कोण डी बराबर कोण बी, है ना। तो कोण ए बराबर कोण सी, जो कि हमें सिद्ध करना था, है ना, तथा कोण बी बराबर कोण डी बराबर कोण बी या कोण बी बराबर कोण डी, कहां से पता चला, समरूप त्रिभुज के संगत भाग, ऐसे लिख देना, समरूप त्रिभुज के संगत भाग, यहां लिख देना समरूप त्रिभुज के संगत भाग, संगत कोण। ठीक, ये सिद्ध हो जाएगा। अगला, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग, छठवें का ग 12 है, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों के तो संख्या क्या मानेंगे, दो अंकों की, माना दो अंकों की संख्या क्या है एक्स वाई, संख्या बराबर एक्स वाई, इसको लिखेंगे कैसे, टेन एक्स प्लस वाई, ऐसे होता है। फिर क्या जो कह रहा है वो करेंगे, संख्या के अंकों का योग 12 है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एक्स प्लस वाई बराबर 12, पहला समीकरण बन गया। फिर कह रहा है अंकों के स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या, तो पहले लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर, यहां लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या, तो अंकों का स्थान बदल दोगे तो वाई एक्स हो जाएगा ना, ये बदल गया तो वाई एक्स हो गया, दहाई के अंक पे आ गया, तो ये क्या बन गया, टेन वाई प्लस एक्स, ये नई संख्या है, वो संख्या क्या हो जाती है, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो प्राप्त संख्या बोला है ना, तो उसका नाम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार जो नई संख्या है 10y plus x वो बराबर है पुरानी संख्या से 18 ज्यादा के, तो पुरानी संख्या 10x plus y है, इससे 18 ज्यादा के बराबर है, बन गया समीकरण, इसको गुणा करके सब इधर करो तो ये हो गया 10y plus x बराबर 18, गुणा नहीं यहाँ प्लस है, प्लस है, तो 10x plus y plus 18, तो 10x इधर आएगा, 10x और माइनस 9x आएगा, और 10 में से 1 जाएगा 9x, 9y माइनस 9x और 18 उधर है, 18 हो जाएगा, कट जाएगा, 9 दुनिया 18, एक एक, तो y माइनस x बराबर 2 आएगा, समीकरण नंबर 2 बन गया, समीकरण 2। अब 1 और 2 को बड़े आराम से हल कर सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करें, जोड़ने पर y कट जाएगा विलोपन विधि से, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो लिखते हैं, जोड़ते हैं x प्लस वाई बराबर 12 और y माइनस x बराबर 2, तो y के साथ y जुड़ेगा और x के साथ x जुड़ेगा, तो प्लस माइनस कट जाएंगे, है ना, और y प्लस y जुड़कर 2y बराबर 14, तो y बराबर 7, y का मान मिल गया, y का मान समीकरण नंबर कहाँ रखे, यहाँ पे एक में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे x प्लस 7 बराबर 12, तो x बराबर 12 में से 7 गया 5, अतः संख्या बराबर क्या है, टेन एक्स प्लस वाई, तो 10 गुणे एक्स मतलब 7, नहीं 10 गुणे एक्स बराबर 5 प्लस वाई बराबर 7, 50 प्लस 7 बराबर 57, ये आंसर हो जाएगा, तो संख्या बराबर 57। सातवें का क, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, तो लिख देते हैं, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो चाल नहीं दिया है, बस ये कह रहा है अगर 5 किलोमीटर और ज्यादा होती, तो लिख देते हैं, माना चाल बराबर v है और दूरी दी गई है, तो लिखेंगे तय की गई दूरी, पूरा लिखना, तय की रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 360 किलोमीटर,
360 किलोमीटर, और चाल तो दी नहीं है, तो माना चाल बराबर v किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, लिख दिया। तो समय कितना लगेगा, समय समय को मान लिया t1 है, तो समय t1 बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल की दूरी कितनी है 360 है, चाल कितनी है v है, तो पहला समय जो दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो t1 है, ये मिल गया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब कह रहा है अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और होती, मतलब जितनी पहले थी उससे 5 और होती, तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार यदि चाल प्रश्नानुसार यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक v प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती तब समय कितना लगता, समय दूरी तो उतनी ही है ना, दूरी वही लेनी है, उसी दूरी को इतनी चाल से तय करना है, तो चाल इतनी है और तब समय T2, तब जो समय लगेगा मान लिया वो T2 है, बराबर फिर से दूरी बटे चाल, दूरी वही रहेगी बटे चाल v प्लस 5, ठीक है, बना। तो इक्वेशन नंबर 2। अब बोला है समय कितना लगता अगर चाल इतनी होती, तो समय कितना लगता, कहाँ गया, एक घंटा कम लगता, समय एक घंटा कम लगता, मतलब ये वाले समय और ये वाले समय में कितने घंटे का अंतर पड़ता, एक घंटे का ना, यही तो कह रहा है, एक घंटा कम लगता तो समय का अंतर कितना पड़ रहा है, एक घंटे का। तो हमें मालूम है कि समय का अंतर मतलब T1 माइनस T2 बराबर एक घंटा, बात समझ में आई, समय अंतर ही तो हुआ ना, कि अगर इस चाल से चलती तो एक घंटा कम लगता, मतलब इन दोनों में कितने समय का अंतर है, एक घंटे का। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है v प्लस 5 चाल से चलने पर लगा समय एक घंटा, समय अंतराल एक घंटा, अतः समय अंतराल एक घंटा, अतः T1 माइनस T2 ही करेंगे ना, ये ज्यादा है ना, तो T1 माइनस T2 बराबर एक घंटा, T1 माइनस T2 बराबर 1 आवर। अब T1 मतलब ये, दिस माइनस दिस, तो 360 अपॉन v माइनस 360 अपॉन v प्लस 5 बराबर 1। अब लासा लेना पड़ेगा, तो लासा हो गया v इंटू v प्लस 5 बराबर 1, यहाँ पे v से v कटा तो 360 से गुणा होगा v प्लस 5, माइनस v प्लस 5 कटा तो v गुणा होगा 360 से, गुणा कर लो 360 v प्लस 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, 10 लग गया, और फिर इससे गुणा हुआ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जाओ माइनस 360 v, ये दोनों कट गए और ये उधर गया गया, ठीक है, तो क्या बना v स्क्वायर प्लस 5 v, गुणा होगा ना उधर जाके, तो क्या बचा पूरा v स्क्वायर प्लस 5 v माइनस 1800 बराबर 0, द्विघात समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, सूत्र द्वारा, इसको अगर गुणनखंड करने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा ना, तो सूत्र द्वारा v बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सूत्र द्वारा लिख लेंगे, हाँ यहाँ रूट भी रहेगा। अब यहाँ पे रख दो, माइनस बी मतलब कौन है, ये है ना 5, तो माइनस लगेगा तो माइनस 5 आएगा, सब सही किया है ना यहाँ पे, हाँ उधर ले गए, इसको उधर ले गए, माइनस आया, ठीक है, तो माइनस 5b प्लस माइनस बी स्क्वायर 25, ये तो ज़्यादा आ रहा है, 4 नहीं ठीक है, 4 इंटू ए मीन्स 1 और सी मीन्स माइनस 1800 है ना, सी मीन्स माइनस 18, इसके साथ गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1800 और इससे गुणा होगा तो प्लस बटे 2 बराबर, अभी कितना हो गया 18 चौक 72 ना, तो प्लस 72 और 25 कितना आ गया, जोड़ो
माइनस फाइव और रूट में 7225। हाँ 7225। अच्छा ठीक है, ये 7000 ये आया, 7200 आया और 25, तो 7225 बटे दो, इसका वर्गमूल निकालना है 7225। हाँ 7225 का वर्गमूल बताओ कितना आया, और फिर दो, हाँ 85, तो 85 में ये तो प्लस माइनस है ना, तो माइनस फाइव प्लस माइनस 85 बटे दो। अब 85 में प्लस, अगर प्लस वाला लोगे तो ये माइनस हो रहा है, तो कितना आएगा 80 बटे दो, तो 40 आ जाएगा। अतः v बराबर, एक बार प्लस वाला लेंगे तो आ जाएगा v बराबर माइनस फाइव प्लस 85 बराबर 80 है ना बटे दो, 80 बटे दो बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर माइनस लोगे या v बराबर माइनस फाइव माइनस 85 बटे दो, तो 90 माइनस 90 बटे दो, तो माइनस 45 जो कि अमान्य है ना, ऋणात्मक चाल नहीं लेनी है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें इसमें जो ख पार्ट है, ख में दोनों में से कोई एक करना है और दोनों रचनाएं हैं, तो एक त्रिभुज की रचना है जो कि हम लोग कई बार कर चुके हैं पिछले 10-11 पेपर में, सभी में हमने रचना की है यही वाली, तो अगर समझना है तो उन पेपर्स को जाके तुम देख सकते हो, ठीक है।